टाइम हो रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम कोई व्लॉग की स्टार्टिंग करता है क्या? मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह सुबह व्लॉग बनाने लगूँगी और मतलब सुबह फिर मेरा अभी से व्लॉग चालू हो जाएगा, एक अभी कंप्लीट हुआ है इसलिए ये मुझे पिल्लो से मार रही है हिमांशी। और अगर मैं अभी से शुरू नहीं करूँगी तो मैं सुबह उठ के फिर व्लॉग की स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सुबह जो मेरा रूटीन होगा वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी, जितना अभी मैं कर सकती हूँ। तो बने रहिए आप सभी, इसी तरह प्यार देते रहिए वीडियो को और वीडियो एंजॉय करिए। चलते हैं फिर व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत गंदा हो रहा था, ये बिल्कुल काला हो गया था काफ़ी टाइम में, जैसे कि डीप क्लीनिंग हो रही है जब से तबीयत ख़राब हुई है। तो ये मैंने इसके सारे सब कुछ निकाल लिया है और मैं पहले नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, वैसे तो डेली इस टाइम इसी तरह सफाई होती है, लेकिन तबीयत ख़राब हुई है तब से। फिर बताऊँगी कि जल्दी ही मैं, बहुत जल्दी मैं रहती हूँ, बस जल्दी काम निपटे और मैं लेटूँ, तो खाना वाना बना के बस कपड़ा मार के ऐसे ही साफ करके कर लेती थी। और ये बहुत दूध दूध भी निकलता है, जो भी ये मैंने बहुत साफ कर लिए हैं जब जाके वीडियो अभी मैं बना रही हूँ, मतलब हिमांशी से बोला है कि हिमांशी थोड़ी पहले ही काला काला हो रहा था। हाँ, पहले सारा काला काला हो रहा है, अब ये मैंने सब निकाल के यहाँ रख दिए और आप इसी से देख अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बहुत काला हो रहा था ये यहाँ पे, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब ये मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, हिमांशी चली गई थी खाना खाने के लिए और जब तक मैं कुछ हद तक साफ़ कर चुकी हूँ और कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो भी मांझ के रख दिए हैं, मतलब सफाई कर दूँगी, मांझ के रख दिए, धोए नहीं है अभी, और बर्तन और फिर सब एक साथ तभी धोऊँगी। तो कई बेर में मैं अच्छे से ये साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी नहीं ही डालना है मुझे अभी, सुबह के टाइम तो पानी डाल के धो देती हूँ, इस टाइम नहीं, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस टाइम पे मेरा, जब तक मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी तो बर्तन भी सूख जाएंगे, फिर मैं धर रख दूँगी ये भी, और ये पहना नहीं था बनियान किसी ने भी, तो इसलिए मैंने पोछा बनाया है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मांसी जो खाना रह रहा है फिर इसकर के आओ। दोस्तों, साफ नहीं हो रहा है कैमरा, शायद गंदा हो गया है क्योंकि हिमांशी ने ले रखा था, तो मैंने जितना मुझसे हो सके, देखो बिल्कुल काली हो रखी थी, साफ़ कर दिए हैं। और ये भी अब जब ये सूख जाएगी, जब तक मैं एडिटिंग करती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर दिए, और ये वैसे डेली का काम है, लेकिन मैं जब ये वीडियो शूट करती हूँ, ये काफ़ी कई दिन में साफ़ हुआ है ना, तो कई दिन में ही साफ़ होगा। और जैसे बीमार थी ना, ये कहते हैं कि बीमारी नहीं बार बार नहीं बोलना चाहिए, तो बीमार थी इसलिए ही ये बहुत गंदे हो गए थे। जब मुझे फटाफट लेटना होता था, बस मन करता था बस फटाफट लेट जाऊँ, तो ये बर्तन भी जब तक सूख जाएंगे और ये भी, फिर मैं जब तक कर लेती हूँ एडिटिंग, मिलते हैं फिर आप सभी से। सुबह हिमांशी के लिए बना दिए पराठे और आटा मैंने एक बार में ही लगा दिया है, मतलब अब जो भी जैसे भी कोई सुबह के टाइम पराठे ले गए, दोपहर को रोटी, मतलब जिस तरह से भी लंच में भी यही काम आ जाएगा, और मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रात में ही किचन साफ करके सो जाओ तो सुबह फिर फटाफट बनाना होता है। और किसी किसी रात ऐसे होता है, जैसे आज रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, एक बार आँख लगने के बाद एकदम से ट्रैफिक इतना होता है बाहर, शोर इतना होता है कि आँख खुल गई थी मेरी, फिर उसके बाद तो मैं सोई ही नहीं हूँ। तो ये प्याज के पराठे और क्या नाम है, सॉरी क्या दिया है, और साथ में सॉस, जोर से भी बोल सकते हो हिमांशी, तो बस इतना ही सूट करूँगी क्योंकि अभी हिमांशी की मैं बहारो फूली बरसाओ कि मेरा बेटा आज आया। तो दिसू आया है मामा के घर से, अभी मुँह छुपा रही है, मुँह छुपा रही है हमारी लड़की। दोस्तों, ये जो बाहर से मतलब धूप आ रही है वो ही सब दिखा रही हूँ, और ये दिसू लेके आया है, और दिसू के अभी कपड़े हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगी, अभी सिंदारे का तो टाइम नहीं है, लेकिन मेरा सिंदारा आ चुका है, कुछ निकाल के सब ने खा लिए, कुछ मिठाई ये बची हुई है। तो पिंकी मौसम के और मेरे सूट के पैसे भी आए हैं, और पिंकी का है ये सूट, देख लीजिए, और मौसम का जो मर्जी ले लेगी। तो
ये सूट उन दोनों के भी आए हैं, और एक सूट के मेरे के पैसे दिए हैं मम्मी ने, और ये साग है, साग साफ करूँगी, और सामान सब बाहर रखा हुआ है, हिमांशी दीसू के भी कपड़े, मतलब सब बाद में तसल्ली से, वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी। तो दोस्तों आज बनाई है मैंने कढ़ी, और कलर इसका इसमें कुछ और आ रहा है, वैसे येलो येलो है, और इसमें पता नहीं कैसा अजीब सा आ रहा है फ़ोन में, और कैसे दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल एकदम अपोजिट कलर आ रहा है, और कलर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी है। आप सभी बताइए कैसी, कैसे पूछूं मैं आपसे, क्योंकि तो दोस्तों कढ़ी मेरी बन चुकी है, और कढ़ी में थोड़ा सा कलर कैमरे में चेंज आ रहा है, और कढ़ी कैसी लग रही है आप सभी को, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बता नहीं सकती। और कढ़ी और चावल बनाए हैं मैंने आज ये देखिए, कढ़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है, और पकौड़े रखे हैं मेरे यहाँ पर जो मैं अभी डाल लूँगी इसमें, और मैंने बहुत बार कढ़ी शेयर की हुई है, कढ़ी, तो इसलिए मैंने इस बार शेयर नहीं की आप सबके साथ, और चावल भी बन गए हैं। तो आ जाइए आप सभी, अगर कढ़ी पसंद आ रही तो, बस थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है इसमें, येलो येलो लग रहा है इसमें, थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर कैसे दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा, कलर अब फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, वाइट सा कुछ ऐसे लग रहा है, वाइट है नहीं, जबकि ये जब उबल रही है तो वाइट नहीं लग रही है, वैसे रियल में पीली लग रही है। डाल दिए मैंने इसमें पकौड़ी भी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, और रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में डाली हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो, कढ़ी की भी पूरी रेसिपी एक कढ़ी की है एक वीडियो में, खाना है क्योंकि मैं चावल कम ही खाती हूँ, इससे भी कम ही खाऊंगी, और कढ़ी बहुत सारी खाती हूँ मैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो, और आगे से अच्छा वीडियो, ऐसे मैं सोच रही हूँ कि सुबह के रूटीन का बनाऊँ, और सुबह ही मानसी जाएगी स्कूल, तो देखते हैं जो भी बनेगा वो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी।